कोई भी किसी प्रकार का अभिमान अगर है, द्रौपदी कहती है स्वामी जी आप मेरे हृदय में झांक करके देखो, अगर नहीं है तो कहते हैं कि ज्यों ज्यों पग आगे धरे संत से मिलने के लिए, एक पग उठा करके रखने पर 1 करोड़ यज्ञ करने के बराबर होता है। महात्मा जो है पिघल गए और कहने लगे बेटी तेरे साथ तो हमें जाना ही पड़ेगा, चलो मैं चलता हूँ। प्रांत बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। राज दरबार में पहुंचे, उनके लिए बड़ा सा अच्छा ऊंचा सिंहासन बनाया गया प्रेमी भक्तों, और उनके लिए जो है जितना भी भोजन 56 प्रकार का भोजन बना था वो थाल में लग करके आ गया। 56 प्रकार हो, 56 अगर कटुली हूँ नरेवा से भैया राय बने भैया में राय बने, कहूँ राय तो है कहूँ चिकन ही है, कहूँ सब्जी है कहूँ अचार है कहूँ पूरी है कहूँ पिचौड़ी है, तमाम तरह के 56 प्रकार के भोग। महात्मा जी ने क्या काम किया, रायते में हलवा मिलाया और सब्जी मिलाई और पूरी डोर के मामे से नीचे के डाले के एक और ऊपर मोमे लाई है, सोई ऊपर घंटा बजा, दूसरा ग्रास फिर ले गए फिर घंटा बजा। तौले द्रौपदी ने सोची, द्रौपदी ने सोच ली कि कहीं महात्मा तो बहुत ऊंचे हैं, मेरे भैया कन्हैया यही रोज रात रोज खा तो और बाकी रोज खाए का घंटा बजो ना, और ये महात्मा जो है जबकि महात्मा तो बहुत ऊंचे हैं लेकिन जाते वो कहीं असर हो है, क्योंकि जाते को असर ना हो तो महात्मा कहा जाने कभी 56 प्रकार के भोजन दे के रहे हुए है, और ये यहाँ खाने को मिल गए। तो एकदम तीसरी बार घंटा नहीं बजा, द्रौपदी भाग के कृष्ण के पास पहुंची कि भैया तीसरी बार घंटा क्यों नहीं बजा। कृष्ण कहते हैं द्रौपदी तुमने कोई हमें मालूम पड़ता है कोई विचार किया जबकि हमने नहीं करो, सोचो अपने दिमाग से जबकि हाँ हुई तो विचार कि क्या विचार किया कि वो कहाँ बताया हम बताए ना हमें उपाय बताओ जाओ, जबकि फिर से थाली पंचमुखी दीपक जला करके महात्मा जी की आरती करो और दंड प्रणाम करो तो घंटा बजेगा। तो फिर आरती की गई और दंड प्रणाम किया, सोई घंटा बजने लगा। बोलिए संत भगवान की गांव में एक मेहतरानी के
बच्चा पैदा हुआ, तो जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर के पास जो है इंजेक्शन लगवाने के लिए जाते हैं। तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो गया, उन्होंने कहा मेरी पत्नी के बच्चा हुआ है, आप इंजेक्शन लगा दो। तो डॉक्टर साहब ने सोची देखो सवेरे सवेरे उठा अबे अरे नायक मृत्यु हो पाए मेरा फिर आए इंजेक्शन लगवाए और नाइन खड़ी ना गया क्यों डॉक्टर है मेरे कहते थोड़ी देर में आए फिर घंटा दो घंटा आए हुए फिर वे मैंटर साहब फिर गए जगह डॉक्टर साहब सुई लगाए देते जगह अब लगाते हम थोड़ी देर में आ रहे फिर दो घंटा हुए विदाई गए डॉक्टर साहब। तो बिन्या सोची कि हमें छोड़ के गांव में और वो तो डॉक्टर हैं शायद हम ना गए मुसलमत लगवाए लेकिन वे गए नहीं वो नहीं के पास खड़े आए बिन्या गए तो मंगे तो गए डॉक्टर साहब इंजेक्शन भरो टेट बैग इंजेक्शन आता है तो मैत्रानी गई पट हो जाओ पट हो गई इंजेक्शन लो पट्टे ऐसे लगाए दो उंगलियां ना छुन गई खींच लो पकड़ बाल का तो गाँव पट्टे में ऐसे लगाए दो लात धरेंगे खच धीरे कर दो उनकी कोई उंगलियां ना छुई उनके दिमाग में भाई हम पंडित हैं कि पंडित नहीं बने रहे कहीं छुए तो कोई पंडित खत्म हुई है कोई खत्म बना हो गया तो कह के जुगाड़ो जो जात रहे कोई रहे प्रेमी भक्तों फिर क्या काम हुआ कुछ समय बाद जो है वे डॉक्टर साहब उन्हें कोई बीमारी भाई तो वे खत्म हो गए फिर खत्म हो गए के बाद जो है वे मर के भाई महतरानी के यहाँ उन्हें कुछ लड़का बन के आए गए वो भी गोविंद भगवान बालक को याद बनी रही जब वो पाए चलन लगो फिर गाने कर लगे हम डॉक्टर मिश्रा है हम डॉक्टर मिश्रा है तो लोग ने कही काम के इंजेक्शन ना लगाने जाते और ये मिश्रा जी जल कर हमें आई है प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय तो परमात्मा से क्या पता है कहते हैं कवि साहब कहते हैं सतगुरु संसार में अरे सेवक सब संसार पंडाल में एक छोटे गुरु जी और बैठे तो लोगों ने नाम देखे भाई सवेरे यहाँ घूम ये कर दिन बैठ रहे के गई हम गुरु जी है हम गुरु जी है हम गुरु जी है आरती करो विकार था लेकिन उन्होंने कही मम्मी उन्हें सोचाती अब आके सोच रहा था कहते हैं कवि साहब कहते हैं कि सात गुरु संसार में सेवक सब संसार और सतगुरु उसको जानिए जो कब से करता तो सात गुरु कौन कौन से होते हैं कहते हैं ये हमारा जो शरीर जो है साढ़े तीन हाथ का है ये शरीर साढ़े तीन हाथ का है माँ के गर्भ के पहले ये शरीर कहाँ था ये शरीर पिता के अंगों में बिंद रूप में था
पिता के अंगों में बिंदु रूप में था कि नहीं था, इसलिए पहला गुरु कौन है? पिता है। इसलिए पिता की प्रतिष्ठा करो, मान सम्मान करो और अवस्था के अनुसार उनकी सेवा करो। वही बिंदु जो है पिता ने माँ के गुप्त अंगों में रखा, जिससे माँ का रज मिला और पिता का बिंदु मिला, दोनों मिले, मिलावनी क्रिया हुई और एक हफ्ते के अंदर देर कितना बड़ा हुआ और एक महीने में मोर के अंडे कितना बड़ा हुआ और तीन महीने में सभी अंग निकल आए, आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर, ये सब जो है प्रदर्शित होने लगे। पांच महीने में काफी विकास हुआ, सातवें महीने में बच्चा जो है पेट में घूमने लगा और नौ महीने में प्रसव की वायु ने धकेला दिया, बच्चा जो है गर्भ के बाहर आ जाता है। बोलिए गोविंद भगवान। तुरंत जो है दाई ने उसे उठाया और उसके मुंह में उंगली डाली, क्योंकि बच्चे की जब माँ के गर्भ में होता है तो जीभ पलटी हुई होती है और उल्टा लटका हुआ होता है। बच्चा जो है भगवान से प्रार्थना करता है, हे परवरदिगार, हे संसार के मसीहा, मुझे उबारो, इस नरक से मुझे बाहर निकालो। क्योंकि माँ जो है चरपड़ा, खट्टा, कसैला किसी प्रकार का भोजन करती है तो उसकी झिल्ली के ऊपर से गुजरता है तो बच्चे की त्वचा में वो प्रभावित करता है। प्रेमी भक्तों, तो दूसरी गुरु कौन है? उसकी माँ है। तीसरी गुरु